वेल गाइज, हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे जो वांडा विजन के बहुत सारे एपिसोड्स के जो डिस्क्रिप्शन है वो फ़िलहाल लीक हो चुके हैं। सो मेरा नाम है अनुभव। आज मैं फ़िलहाल अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एपिसोड 1 के बारे में। इससे पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मैंने BGR.com से ली थी। वहाँ पर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो फ़ैन थ्योरी है ये 4chan से है, बट ये 4chan से नहीं है, ये एक स्पाइडिस ग्रेटो नाम का अकाउंट है, उससे ये फ़ैन थ्योरी आई है। असली फैन थ्योरी 4chan के अकाउंट से सिर्फ रेडिट पर ही आपको मिलेगी। सो इस वीडियो में हम एपिसोड 1 को डिस्कस करने वाले हैं, और ये फिलहाल मैंने रेडिट के अकाउंट 4chan से खुद ही रेडिट पर जाके पढ़ा है, और ये मतलब पढ़ने के बाद कसम से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये प्लॉट। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि वांडा बिल्कुल अकेली है, उसकी लाइफ मीनिंगलेस हो चुकी है, वो सैड है और डिप्रेशन में है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें यह बताया गया कि जब वांडा मैक्सिमोफ और क्विक सिल्वर छोटे थे तभी एक बॉम्ब के गिरने की वजह से उनके मदर एंड फादर की डेथ हो गई होती है। वहीं एज ऑफ अल्ट्रॉन में हॉकाय को बचाते समय हमारे क्विक सिल्वर की भी डेथ हो गई होती है। इन्फिनिटी वॉर में हमारे विजन की 2 बार डेथ होती है, एक बार वांडा मैक्सिमोफ इस स्टोन को डिस्ट्रॉय करती है, तब फिर हमारे थानोस आ जाते हैं और टाइम को रिवर्स करके दोबारा हमारे विजन को मारने का मजा लेते हैं। इसी के आगे हमें दिखाई जाती है मोनिका रैम्बो, जो कि हमें कैप्टन मार्वल के पहले पार्ट में दिखाई गई थी। फिलहाल यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि ये मोनिका रैम्बो फिलहाल स्वॉर्ड के साथ मिलकर कोई सीक्रेट मिशन पे काम कर रही है। इसी के आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जो वांडा है वो अपनी लाइफ एक नए सिरे से शुरू करना चाहती है, और वो अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहती है, बट प्रोबेबली हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी होता ही नहीं है। हमें यहाँ पे एंट्री दिखाई जाती है अगाथा हार्कनेस की, जिसे इस लीक में AGNES नाम से बताया गया है। इसका रोल प्ले कर रही है हमारी कैथरीन हान, हमने इनको वांडा विजन के लीक्ड सेट इमेजेस में भी देखा था। अगाथा हार्कनेस इनके पास आती है और कहती है मुझे पता है कि तुम किस चीज़ से गुजर रही हो, तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें खोई हैं, एक्चुअल में मैं भी एक विच हूँ, मैं भी एक सॉर्सरर हूँ, और मुझे पता है कि तुमने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। यहाँ पे हमें अगाथा हार्कनेस एक नेगेटिव रोल में आगे दिखाई जाने वाली हैं, तो आगे ये जाके नाइटमेयर से मिलेंगी, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये एक एंटागनिस्ट विलन रहने वाली है हमारी वांडा विजन टीवी सीरीज का। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमारी वांडा की पूरी एबिलिटी नहीं दिखाई गई है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो। यहीं पे अगाथा हार्कनेस हमारी वांडा से कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी पावर्स क्या हैं, तुम्हें अभी इसका पूरा यूज़ पता ही नहीं है, तुम इन्हीं पावर्स को यूज़ करके अपने भाई क्विक सिल्वर और अपने प्यार यानी कि हमारे विजन को तुम वापस ला सकती हो। अगाथा हार्कनेस सिखाती है हमारी वांडा को कि किस तरीके से तुम टाइम लाइन से खेल सकती हो, रियलिटी मैनिपुलेट कर सकती हो और अपनी पावर्स को अपनी एबिलिटी यानी पीक लेवल पर यूज़ कर सकती हो। इसी के आगे अगाथा हार्कनेस हमारी वांडा को अपनी पावर्स को फुल एबिलिटी में यूज़ करना भी सिखा देती है, और इसी के साथ प्रैक्टिस करते करते एक बार वांडा 50s की रियलिटी बना लेती है, मतलब कि बहुत पहले की रियलिटी, और उस रियलिटी में विजन जिंदा होता है। बट हमें पता है कि ये 50s की जो रियलिटी हमारी वांडा ने अभी जस्ट बनाई है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक अल्टरनेट रियलिटी है और ये कभी भी रियल नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ वांडा के माइंड में है कि उसने ये रियलिटी बनाई है, बट ये रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे हमें बहुत टाइम तक सारी चीज़ें अच्छी दिखाई जाती है, बट हमें पता है कि चीज़ें ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं रहती। और आगे अगाथा हार्कनेस जाती है नाइटमेयर के पास। जी हाँ, नाइटमेयर के पास। मैंने कहा था कि अगाथा हार्कनेस इस टीवी सीरीज का मेन एंटागनिस्ट विलन रहने वाली है, और यही नाइटमेयर हमारा मेन विलन रहने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। मैंने एक वर्सेस बैटल भी बनाया है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस नाइटमेयर, अगर आपने वो बैटल नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिएगा। यहाँ नाइटमेयर के पास पहले से ही एक प्लान रहता है, प्रिपेयर्ड प्लान रहता है कि किस तरीके से वो वांडा की जो रियलिटी है इसमें खुद जाके घुसेगा और मल्टीवर्स के साथ वांडा के साथ खेल पाएगा। यहीं हमारे फर्स्ट एपिसोड में इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारे नाइटमेयर का। ये यार जो मुझे लीक मिली है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल सोर्स से मिली है। फिलहाल 4chan का मैंने इसी दौरान हिस्ट्री चेक की, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसने प्रेडिक्ट की हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से रिलेटेड, जो कि सही निकली हैं, और एक ब्लैक पैंथर से रिलेटेड भी इसने चीज़ प्रेडिक्ट की थी जो कि सही निकली थी। अब देखते हैं कि ये लीक सही निकलती है कि नहीं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। एपिसोड 2 बिल्कुल रेडी है, बस इसके अपलोड होने के 2 दिन बाद एपिसोड 2 आ जाएगा, एंड बाकी के एपिसोड भी मुझे मिल चुके हैं, वो भी मैं जल्दी रेडी कर दूंगा। आपको इस वीडियो को करना पड़ेगा शेयर, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके एपिसोड 2 में। टिल देन बाय।